सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के आज के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की लेक्चर सीरीज हमारी पहली लेक्चर सीरीज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। धीरे धीरे ये लेक्चर सीरीज बहुत ही जल्द आपको इसकी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके रखिएगा। तो शुरुआत में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं तो उन लोगों को, जो लोग जैसे कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो उनको समझ नहीं आता कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और कोई भी एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही हिस्टोरिकल जो उसका बैकग्राउंड है उसको भी देखेंगे, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको पढ़ना तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो भी नोटिफिकेशन आएगी वीडियोस की उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक लेक्चर सीरीज आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आपको ये जो वीडियोज़ हैं उसकी जो लिंक है, अगर आपको प्लेलिस्ट के ज़रिए देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें कि जो इसका शुरुआत किस प्रकार से हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इंडिया में आया, तो 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ यहाँ पर राज करते थे हमारे इंडिया पे, तो उन्होंने कुछ प्रेसिडेंसी नगर बनाए हुए थे। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि प्रेसिडेंसी नगर क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कि जैसे कि इस समय हमारे जो देश होता है उसमें एक राज्य होता है, राज्य के अंतर्गत जो भी मुख्यमंत्री होता है वह मुख्यमंत्री जो भी हमारे राज्य है उसके अंतर्गत जो भी ज़िले होते हैं उस पर शासन करता है। तो जो भी ज़िले के ऊपर जो शासन करता है, तो उस समय ये चीज़ें जब की जाती थी तो उसे यहाँ पर प्रेसिडेंसी नगर बोला जाता था। जैसे कि उस समय वहाँ पर जो प्रेसिडेंसी नगर थे वो पहला था कलकत्ता, दूसरा था मद्रास और जो तीसरा था वह था बम्बई। ठीक है, ये तीन प्रेसिडेंसी नगर थे जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे। तो जब उन्होंने प्रेसिडेंसी नगर बनाया, तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंसी नगर में क्या कुछ चीज़ें होती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। प्रेसिडेंसी नगर में क्या होता था, जो बड़े बड़े काम होते थे वो किए जाते थे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने रहने का, और मतलब एक प्रकार से राजाशाही का जो अपना चीज़ें था वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे स्थापित की थी। साथ ही जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी या फिर जो बिजनेस वाली चीज़ें होती थी वो वहीं पर होती थी प्रेसिडेंसी नगर में, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि इस समय दिल्ली बम्बई ये सब बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर जो ज़्यादातर जो कानून की ज़रूरत होती है वहाँ पर होती है, और जो हमारे गांव एरिया में है ये सब जो कानून की ज़रूरत है बहुत ही कम पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने मतलब उन्हें इस कानून की ज़रूरत पड़ी, किस कानून की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, न्यायालयों की सबसे पहले स्थापना की। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर कौन सी लॉ लागू की, अंग्रेज़ी कॉमन लॉ। ठीक है, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ थे, उसके बाद में जो उनके देश में जो चीज़ें लागू होती थी, जो लॉ लागू होता था, तो वो चीज़ उन्होंने वहाँ से ले कर आए इंडिया में और वो चीज़ यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक है, न्यायालय की स्थापना करके उसके बाद में उन्होंने लागू कर दिया। पर हुआ क्या, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ा हमारे देश में पड़ा ये कि उच्च न्यायालय के जो भी अधिकारी क्षेत्र थे, यानी कि जो काम कर रहे थे उच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश थे, उन्हें बहुत सारी असुविधाएं उत्पन्न होने लगी। अब आप पूछेंगे कि भाई असुविधाएं क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो भी आदमी थे, वो भी मनुष्य हैं, वो भी अपने कानून को यहाँ पर लागू कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर लागू है उस प्रकार से यहाँ पर भी लागू हो जाए, कौन सी दिक्कत है उसमें, परेशानी कौन सी बात है। तो यहाँ पर उन्हें परेशानी ये होती थी, जैसे कि जो हिंदू होते थे उनके रीति रिवाज ये सब अलग होते थे, मुस्लिम होते थे उनके रीति रिवाज धर्म ये सब चीज़ें अलग होती थी, इस कारण उन्हें जो अपनी जो चीज़ें हैं जो भी ला है उसको लागू करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो हिंदू थे वो अपनी मान्यता के खिलाफ नहीं जाते थे, जबकि मुसलमान थे वो अपनी मान्यताओं के खिलाफ नहीं जाते थे। इसी कारण जो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि एक अधिनियम बनाया। पहला उन्होंने अधिनियम बनाया कलकत्ता के लिए 1781 अधिनियम, और दूसरा उन्होंने बनाया 1797 अधिनियम जो कि बनाया बम्बई और मद्रास के लिए। ठीक है, ये उन्होंने दो अधिनियम बनाया, और जो 1781 वाला अधिनियम है वह कलकत्ता के ऊपर लागू कर दिया,
और 1797 वाला जो भी अधिनियम था उसको बम्बई व मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी नगरों के ऊपर उन्होंने लागू किया। और जो ये कानून उन्होंने जो है जहाँ पर लागू किया इसके अंतर्गत होता क्या था, होता ये था कि हिंदुओं के लिए हिंदू विधि चलाई जाने लगी। इस कानून के तहत जब ये लागू हुआ तो उसके बाद में जो भी उच्च न्यायालय थे, जो भी हिंदुओं का अगर मामला होता था तो वहाँ पर उन्हें जो भी जैसे कि जो भी उनका केस चलता था वह हिंदू विधि के द्वारा सॉल्व किया जाता था, जबकि मुसलमानों का मुस्लिम विधि के द्वारा उनसे सॉल्व किया जाता था। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उनका कानून था हिंदुओं का, हिंदुओं के लिए अलग कर दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग कर दिया गया। फिर भी बाद में हुआ क्या, जब 1862 में क्या हुआ कि जैसे कि अब जनसंख्या बढ़ रही है, नगरों में लोग आ रहे हैं, बड़े मतलब बिजनेस का विकास हो रहा है, तो हुआ क्या 1862 में ये चीज़ें थोड़ी सी और भी विकसित उन्होंने करनी चाही, यानी कि जो उच्च न्यायालय थे उसमें उन्होंने और भी विस्तार किया, उच्च न्यायालय की स्थापना और भी उन्होंने की, जिसके कारण हुआ क्या वो भी जो पुराना अधिनियम थे यानी कि कलकत्ता के ऊपर जो उन्होंने अधिनियम लागू किया था और बम्बई के व मद्रास के ऊपर जो भी अधिनियम उन्होंने लागू किया था उसको उन्होंने यहाँ पर फिर हटा दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये 1862 में ये जो दोनों पुराने अधिनियम थे उसको हटा दिया, जिसके बाद में उनकी जो आप कह सकते हैं फिर उनकी जो पुरानी विधि थी वो चलने लगी, क्योंकि उनको ये भी चीज़ें लेकर चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। बाद में 1872 में जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कह सकते हैं आया, और ये तब तक ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आती रही जब तक कि हमारे देश में 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आ गया, तब तक उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती रही, यानी आप कह सकते हैं कि वे तब तक मुसीबत में रहे जब तक ये कि हमारे देश में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आ गया 1872 में। तो ये थी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था। कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई बंदा आया भाई बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था, तो आपको बताना होगा 1 सितंबर 1872 यानी कि 1872। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको बताना होगा 1 सितंबर 1872। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब शुरुआती दौर में बना था, आप समझिए कि 1872 कितना पुराना टाइम, एक बार सोचिए कितना टाइम पुराना है 1872, इस समय कितना चल रहा है 2020। ठीक है, तो एक बार सोचिए, और उस समय जो कानून बनाया गया था बीच में उसमें कुछ बदलाव भी हुए थे, क्या कुछ बदलाव हुए थे उसको भी हम शुरुआत में ही समझ लेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय बहुत ही सुविधाएँ होंगी। तो चलिए समझते हैं उसको। तो जो धारा थी ये बीच में आप जो देख रहे हैं 1-75, ये धाराएं थी 1 से 75, इसको मैंने यहाँ पर 175 के जरिए यहाँ पर ये सब चीज़ें धाराएं ही हैं उसको आप समझिएगा। तो 1 से 75 तक जो भी धाराएं थी जब शुरुआत में उन्होंने बनाया था उसमें क्या बताया था उन्होंने, जनरल प्रोविज़न। ठीक है, जैसे कि क्या कुछ होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने परिभाषा दी थी, एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में जो भी जनरल प्रोविज़न थे वो 1 से 75 तक उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। साथ ही 76 से 123 तक में जो भी कानून था, 76 से 123 तक जो भी मतलब की धाराएं थी उसमें उन्होंने क्या बताया था, सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में, कि सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। साथ ही 124 से 147 तक वो इस धाराओं में उन्होंने क्या बताया था, इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में, कि इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने 124 से लेकर 147 वाले धाराओं के बीच उसके बीच में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। साथ ही 148 से 181 तक बिलमेंट और प्लेस्ड के बारे में बताया था, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर 148 से 181 के बीच इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। साथ ही 182 से और 238 तक, 182 की धारा से 238 तक एजेंसी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, कि एजेंसी क्या होता है, क्या कुछ उसके जो राइट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन 182 से 238 के धाराओं में उन्होंने दिया है। साथ ही 239 से 266 में पार्टनरशिप के बारे में बताया है, कि पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए, पार्टनरशिप के बारे में उन्होंने 239 से 266 के बीच इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है।
पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बीच में हमारे इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं उसके बारे हम देख लेते हैं। बीच में बदलाव इन दो आर्टिकल में हुए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स के बीच में और ये पार्टनरशिप में, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ कि 1930 में जो भी 76 से 130 के बीच जो धाराएं थी इसको सेल्स ऑफ गुड एक्ट के नाम से बना दिया गया 1930 में, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसको बना दिया गया। उसके बाद में 239 से 266 के बीच में जो भी धाराएं थी पार्टनरशिप के बारे में उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करके एक नया कानून बना दिया गया। तो अब अगर आप पढ़ना चाहें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको क्या कुछ पढ़ना होगा, ये सभी चीज़ें जो अभी हम आपको एक एरो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं ये चीज़ें अब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत पढ़नी रहेगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये चार पॉइंट्स ही आपको पढ़ने हैं। चार इसके अंतर्गत जो भी धाराएं हैं उसको सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत हम कवर करेंगे, यानी कि हम सब पढ़ना है हम सबको। तो एक बात यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वह एग्रीमेंट तो होते हैं बट जो एग्रीमेंट होते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सभी जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में हम अगले स्लाइड के जरिए आपको बताएंगे। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं, सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन जो सभी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले आप अपने माइंड में एक बात सोचिए कि हम बाज़ार जा रहे हैं किसी दुकान पे कुछ सामान लेने, ठीक है। ये आप बात अपने दिमाग में लाइए, फिर अब हम इस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहले जब आप बाज़ार जाएंगे, जो भी बंदा है जो भी शॉप पे बैठा हुआ है आप उसको लिस्ट समाते हैं, यानी कि आप उसको प्रपोज़ल देते हैं कि भाई बंदा ये तुम चीज़ मेरे को दो, जैसे कि उसमें जो भी चीज़ें हैं आपकी नीड हैं जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हैं आप उसको देते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, प्रपोज़ल, आपने उसको प्रपोज़ल दिया कि भाई ये चीज़ मेरे को दो, ठीक है। अगर उसके पास वो चीज़ है फिर उसने कहा हाँ भाई मेरे पास है मैं तुमको दे देता हूँ, ठीक है, तो आपको उसने बोल दिया हाँ ठीक है, उसने सहमति आपको दे दी, तो ये चीज़ क्या बन गई फिर, प्रॉमिस, ठीक है। फिर ये चीज़ बन गई प्रॉमिस, जिसके बारे में जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 2D में इसके बारे में परिभाषा दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी बन गया प्रॉमिस, सबसे पहले आपने प्रपोज़ल दिया फिर उसने कहा हाँ भाई ठीक है ले जाओ, तो ये चीज़ क्या हो गई, प्रॉमिस। तो अब यहाँ पे एक बात आपको सबसे मतलब ध्यान रखनी है, जैसे कि अब यहाँ पर आपको क्या मिला, अगर आप उसको पैसे देंगे तो उसको पैसे मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, वो सामान, ठीक है। आप उसको पैसे देंगे तो उसको क्या मिला, पैसा, उसका जो भी कमीशन है उसको मिल गया, और आपको क्या मिलेगा, वो सामान, वो चीज़ आप अपने घर पर लेके जाएंगे, उसको आप खाएंगे पियेंगे। तो ये जो आपकी चीज़ हुई ये क्या हो गया, कंसिडरेशन। यहाँ पर आपका कंसिडरेशन अलग है, आपका कंसिडरेशन है वो चीज़ वो सामान, और उसका कंसिडरेशन है उसमें कमीशन, जो भी कुछ वो पाता है जो भी वो अर्न करता है, तो ये उसका कंसिडरेशन हो गया। और अगर ये सभी चीज़ें अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में है, एक कॉन्ट्रैक्ट में सम्मिलित हैं, तो ये चीज़ें क्या बन जाती है, एक एग्रीमेंट बन जाती है, ठीक है। ये अगर तीन पॉइंट्स अवेलेबल हैं कोई भी चीज़ में, कोई भी अगर मतलब एग्रीमेंट होता है तो इसके अंतर्गत अगर कोई ये तीन चीज़ें अवेलेबल हैं, पॉइंट, तत्व अगर अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ें क्या बन जाएंगी, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट की जो भी डिफिनेशन है वह 2E में दी गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। और साथ ही अभी हमने जो आपको बताया था कि एग्रीमेंट, सभी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन जो सभी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जो एग्रीमेंट होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बदलने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको ये चीज़ जो ये प्रोसेस है इससे गुजरना पड़ता है, जो कि है इन्फोर्सिएबल, ठीक है। इन्फोर्सिएबल यानी कि इन्फोर्सिएबिलिटी उसको चाहिए। इन्फोर्सिएबल के बारे में अभी हम जस्ट आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे फुल, जिससे आप समझ जाएँ कि जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसको हम अभी इस पॉइंट को बाद में छोड़ देते हैं, इसको अभी हम बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। सो अभी आप इसको समझ लीजिए कि जो एग्रीमेंट किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले आप गए उस दुकान पर, उसको आपने दिया चिट्ठा कि आप दे दो भाई, इसमें जो भी लिखा है लिस्ट में दे दो, तो ये प्रपोज़ल हो गया। उसने कहा हाँ भाई ठीक है ले जाओ, ये प्रॉमिस हो गया, उसने कहा हाँ हाँ सब ये प्रॉमिस हो गया। उसके बाद में जो उसको चीज़ें मिली
वो प्रतिफल हो गई, जो आपको मिली वो आपका प्रतिफल हो गया, ये चीज़ें मिलकर बन गई एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो इन्फोर्सिएबल होगा तो वो चीज़ें आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन्फोर्सिएबल कैसे होगा उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। और जो भी वो चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का परिभाषा दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी जो दी गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो 2H में उसका डिफिनेशन दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है, देखिए आप यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं, ये जो प्रपोजल है जो कि हमने आपको यहाँ बताया, ये देख लीजिए जो प्रपोजल है, ठीक है जो प्रपोजल है अगर उसके साथ कंसिडरेशन मिल जाता है तभी वो बन किया जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, प्रपोजल है प्लस कंसिडरेशन, तब वो चीज़ें क्या बन जाती हैं, एग्रीमेंट। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है प्रपोजल और ऑफ़र में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों सेम है, आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी हमने आपको यहाँ तक वो चीज़ें समझा दी हैं, ये यहाँ तक, ठीक है, एग्रीमेंट तक। अब इन्फोर्सिएबिलिटी के हम आपको बारे में बताएंगे कि इन्फोर्सिएबल किस तरीके से होता है, जिसके बाद जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या बन जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी एग्रीमेंट है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं इसे भी। सो एग्रीमेंट के, अगर कोई भी एग्रीमेंट है अगर वह कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके बीच में एक शर्त है जो हमारा कानून कहता है। एग्रीमेंट अगर धारा 10 के शर्तों को पूरा करता है तभी वह कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं, तो भी आपने जाना कि एग्रीमेंट किस प्रकार से बनता है। आप गए दुकान पे, वहाँ पे आपने सामान लेने के लिए बोला, हाँ भाई मेरे को सामान दे दो, उसने कहा हाँ भाई ठीक है ले लो, तो अभी तक ये चीज़ें क्या हुई, आपकी एग्रीमेंट हुई। अब किस प्रकार से वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो भी एलिमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट, ये चीज़ें अगर आपके एग्रीमेंट में अवेलेबल हैं, ये तत्व आपके एग्रीमेंट में उपस्थित हैं, तो ये चीज़ें आपकी क्या बन जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी। ठीक है, पहला चीज़ आपका क्या होना चाहिए, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र मतलब सबसे पहले कोई ऑफ़र देना चाहिए, दूसरा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि उसको दूसरा जो भी व्यक्ति है वो स्वीकार उसको करे। ठीक है, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी आपका कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि अनलॉफुल चीज़ें जैसे कि आ जाती हैं कि हाँ भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है, जैसे कि बच्चों की तस्करी को लेकर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट आपका नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अनलीगल हैं। ठीक है, तो ये लॉफुल आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और जो कंसिडरेशन है, यानी कि जो भी हमने आपको प्रतिफल बताया, यानी कि जो चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि आप दुकान पर गए थे सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर आपको सामान मिलता है और दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है, पैसा, तो आपके लिए सामान कंसिडरेशन है, दूसरे के लिए जो भी शॉपकीपर है उसके लिए क्या है, उसका पैसा, जो भी उसको कमीशन मिल रहा है। तो ये जो कमीशन है या फिर जो इसका कंसिडरेशन है वो फिर लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अनलॉफुल चीज़ें यहाँ पर भी आ जाती हैं, जैसे कि मर्डर करने के लिए आप कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, तो जो भी कंसिडरेशन होना चाहिए वह भी लॉफुल ज़रूर होना चाहिए, तभी वो चीज़ें क्या बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनती है। ठीक है, चौथा चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज़रूरी है वो कंपिटेंट पार्टीज़ होना चाहिए, यानी कि जो पार्टी है वो सक्षम होना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि सक्षम नहीं है, अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। साथ ही फिफ्थ जो पॉइंट है वो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, यानी कि जो उसकी सहमति होनी चाहिए वह स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री कॉन्सेंट के बारे में एक फुल टॉपिक है जिसके बारे में मैं आने वाले लेक्चर सीरीज़ में फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा सभी लेक्चर सीरीज़ का, यानी या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो 5 चीज़ें हैं आपके अगर एग्रीमेंट में अवेलेबल होती हैं तब जाके जो भी आपका एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर ये 5 चीज़ें आपके एग्रीमेंट में हैं तब वो चीज़ें आपकी क्या बन जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बनने पर क्या फ़ायदा होते हैं उसको आप समझिएगा। अगर कोई भी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कानून के द्वारा प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें होंगी जिस पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस पर कानून आपको क्या करेगा,
फोर्स कर सकता है, कानून जो भी अगर दूसरा व्यक्ति है नहीं मान रहा है तो उसको दंड दे सकता है, कानून आपकी मदद कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो वो कानून आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से करना सीखिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आपने सेकंड में यहाँ पर एक पॉइंट देखा था फ्री कंसेंट, जिसके बारे में हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देना चाहते हैं। स्वतंत्र सहमति में क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें उत्पन्न रहनी चाहिए जिससे हमारा जो सहमति है वो स्वतंत्र होगी। कब हमारी सहमति स्वतंत्र होती है, जैसे कि उस सहमति में आपको कोई उत्पीड़न न दिया गया हो, जैसे कि आप क्या कहीं पे जा रहे हैं, आपके गन पे माथे पे कोई गन रख के बोल देता है हाँ भाई 10,000 रुपये निकाल दो या फिर अपनी गाड़ी बेच दो, तो ये जो कंसेंट लिया जा रहा है ये उत्पीड़न के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि जैसे कि मारपीट के आपका खेत ले लेना, तो ये सब उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुचित प्रभाव, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है अनुचित प्रभाव किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता है करके आपसे कंसेंट या फिर आपसे कॉन्टेक्ट करता है, तो ये अनुचित प्रभाव हो गया, ठीक है। थर्ड हो गया कपट, कपट के जरिए तो आप समझ सकते हैं आप सो रहे थे या फिर किसी अन्य प्रकार से आपने चश्मा नहीं लगाया था, आपसे कोई सिग्नेचर करवा लिया पिक्चर में या फिर मूविया में, आपने इसको बारे में बहुत देखा होगा, ठीक है। मिथ्या वर्ण, किसी बारे में गलत कोई व्यक्ति बता के बाद में आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये भी आती है स्वतंत्र सहमति के विपरीत है, यानी कि जो भी आपका एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फिफ्थ होती है गलती, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई सामान पहले से ही ख़त्म है ही नहीं, जैसे कि कोई घोड़ा के बीच में एक घोड़ा है जिसको लेकर दो व्यक्तियों के बीच क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर वो घोड़ा है ही नहीं और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये चीज़ें क्या हो गई, मतलब कि ये गलती हो गई उन लोगों से कि यहाँ पे वो घोड़ा है ही नहीं और दोनों के बीच में ये चीज़ें हो रही है, या फिर किसी अन्य प्रकार की भी यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो फाइव एलिमेंट हैं ये चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहिए, सॉरी एग्रीमेंट में नहीं रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें एग्रीमेंट में नहीं रहती तब आपका जो एग्रीमेंट है वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तभी कहा जाता है कि जो सभी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, जबकि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट ज़रूर होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का प्रोसेस से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप समझ लेंगे थोड़ा सा उस वर्ड पे जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो संविदा होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो संविदा जो होते हैं वो मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य मुख्य संविदा के प्रकार हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि विधि मान्य संविदा, यानी कि जो भी संविदा होगी अगर विधि के द्वारा मान्य होगी तो वो संविदाएँ क्या होगी, विधि मान्य संविदा। इसके बारे में मैं अभी अगले मतलब वीडियो लेक्चर में पूरी जो भी 9 का 9 जो भी पूरी चीज़ें हैं पूरी जो प्रकार हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो लेक्चर में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ ही जो भी उसका वाद है जो भी उसका केस है उसको भी ध्यान रख के वो चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड हो गया वाइडेबल यानी कि शून्यकरणीय संविदा, यानी कि वो संविदा पहले से ही ख़त्म हो जाती है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कोई चीज़ है लिख के या फिर बोलकर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अभिव्यक्ति संविदा। सो छठवां जो होता है वो अल्टीमेटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि विवक्षित संविदा। सातवां जो होता है वह होता है कॉन्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रलक्षित संविदा, यानी कि मनमाना अनुबंध, इस समय वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपके साथ, ठीक है। इसके बारे में मैं आने वाले जो भी मैं आपको बताएं लेक्चर सीरीज में उसको मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जबकि जो आठवां होता है वो होता है कोवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाश्रित संविदा, यानी कि अनुबंधित संविदा। और जो नाइन्थ होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल संविदा, यानी कि संविधानिक, ठीक है, संविधानिक संविदा, ठीक है। ये जो नाइन्थ हमारा पॉइंट है वो है संविधानिक संविदा। तो ये थे 9 प्रकार जो कि संविदा के प्रकार थे। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।